बागी तो छाई दी छ दी। नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन राव स्वागत करता हूं आपका चले गांव की ओर चैनल में। और आजकल मैं गांव में हूं और जो भी भाई लोग मेरे से पूछते हैं क्या हो रहा है आजकल गांव में, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई जी आजकल तो गांव में बाघ लगा हुआ है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, मेरा गांव मैठाणा उत्तराखंड राज्य के जिला पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक बीरूखाल पट्टी सावली क्षेत्र भरोलखाल में स्थित है। और जो बाघ लगे हुए हैं वो हमारे गाँव के इस साइड में लगे हुए हैं। ये हमारी जगह एक कुंडाखाल और बगा के नाम से जानी जाती है। तो इस साइड जो है कि बाघ ने एक गाय भी मारी और कुछ लोगों ने काम करते टाइम भी बाघ को देखा। तो मैं उनकी वीडियो के लिए आपको सुनाता हूँ और देखना किस तरह से हमारे गांव में बाघ की दहशत हो रही है। पूरा गांव तो नहीं कह सकता दहशत में, पर आधा गांव करीब करीब दहशत में है, क्योंकि आधा गांव के लोग तो अपना काम करने जा ही रहे हैं और अपने घास काटने लकड़ी लाने जा ही रहे हैं। पर कुछ लोग गांव में ही हैं और गांव से दूर को बाघ से बाघ को देखते हैं और दहशत में। देखिए वीडियो के लिए आपके लिए लाया हूं मैं। मनीषा आए इना 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 चमा 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 उभार जी उभार उभार मनीषा उभार जी उभार ए वो थी देख हम ना भा देखा मेरे बोला था हुई तो दुई छी उभार दी के बच्चे अरे दुई तीन छी हो ई दी तो छवक्का ना लड़ा में बोल जा तो मैं देख छी हो। हां चल अरे चल गई वो आहा ओ खत खाना वाला ने कना छुआ अभी आनु लाज खाना कर खादी का कतर भारी छु तले पुंगर दल या उ कान उ पुंगर जीत करो पुंगर ओ बब्बा बम्मा जीत पुंगर में आहा वैसे तले पुंगर भादे अरे वो तो ताल छ पुंगर पर भाई ये हजारो लबा खाना पलकुने पुआन हां मुझे तो नहीं दिखाया वो तो लालिस भी नीचे सफेद इसी होत पालकुंडी सीधा पुआन हाँ पालकुंडी ताल चलिए फोना चलिए फोना चलिए आज आनु है लग बागी तो छाई दुई छ दुई दुई छ वो दुई हाँ देखा दुई छ वो लड़े कला था पर कदना बकाना चाहू दादी बाग अब बोडी गोड़ कान के मार बागल है अरे कान के मारा भाबे काय ताक लगे छे तिल वालो का ना वो वीडियो का आलो देखा छी दुई दी छी हां बड़ बड़ वो गिरे के ली गा ना तो कब दे वो तो गोरदा थन जे छ वो 3 बजे मार दे 3 बजे शाम बगत अच्छा हां गोरिया खाई गई यार वो सर लौटा के ली गा अपने अच्छा इन गोर छ जो अभी आन वाल छ हां अभी आन छ वो कल महीने रहे छ पैसा का महीना परेलम अच्छा हां के खाना बाघ तो गोमी लग जाए पट तुम बेकार हक है बस लक्ष्मी बोत भी दिखा बाघ और आड़ा कना गई है अब आड़ा कना गई है तो बाघ दिखा दी क्या अरे बोल तिले अरे बाघ का नीचे बाघ बैठे बात आणो छ बने अभी आड़ा काढनो छ ने अन में जब लारे के जवन वो कम आई गे छ अब वो मैं वो दार जवानो छ वो कम खाड़े गयो मी अन पिछने दे तो हम तीन घोड़ा वो लट गई थी उतार थला आता था लट गई बैल तो तब वो हो गया तब देख लो कुल लग बैठा तब अलका तो वो घोड़ा छोड़ गया तब भाग ना अब तो तैयार भी मोटो खुटा रह हुआ जरो तो मेरा डर लग गया मेरे पास ही मेरी मिदे ही नहीं खासी है सब ऐसा बोला पर सीधे पे पड़ लगी रोस हां सही बात है वो दिन तक मेरे चपका दिन सब खान के चावल हड्डी हड्डी छ हां छई नहीं छई हड्डी तो रास्ता हड्डी में रहंदल हड्डी हड्डी के खाने दीदी वाला था आ गया ना काक छई हां दीदी वाला था बताए होते हैं हम लोग के पहले बात तुम कर भी बताए हो तो भाई तो याद आ रहे राम तो गिरी के बोलड़ो क्या था बात यार तुझे ना ये ना पूरी राम तो याद पा कर कर बंदे याद आ रहे मैं लोग तो चिल लगा नहीं पर हमें था ये ना जो हम अब रोने के हम मैं चम्मल फला रोना रोना का क्या मतलब ये तो पड़नी तो ब्याह की बोला जी ये हमारी दादी श्री कचड़ी लगाती है पूरे गांव में यहां पर सब बैठते हैं भगवान छुई लगी श्री कृष्ण भगवान छुई लगी राम छुई लगी सीता माता तन्नी छाड़ू
सही बात है। और रौनक रहती है यहाँ पर, दादी आ जाए यहाँ खालदार रौनक हो जाता है। ये नंबर वन मजाक करने वाले हमारे गांव में, इनके बच्चे भी ऐसे इन्हीं की तरह। फेवरेट गाना चाहता दीदी मत पट गए जब हम मान छो बोन पटी नहीं आन कोई चरे कूड़ा हम बेकार नहीं लगो तवे बाद तुम्हारे भी देख रहे होंगे मेरे पीछे जो क्षेत्र है कुंडा खाल के नाम से जाने जाने वाला, वहाँ पर एक नहीं दो दो बाघ लगे हुए हैं। कई लोगों ने तो उनके साथ उनके बच्चे भी देखे, तो गांव वालों को काफ़ी खतरा है बाघों से देखा जाए तो। अभी तक उन्होंने किसी पे मतलब इंसान पे अटैक तो नहीं किया, तो अभी वो जो आवारा पशु होते हैं या गाँव के पशु होते हैं जो गाय बैल इन्हीं को मार रहे हैं, पर अभी ऐसे इंसान को किसी को अटैक नहीं किया है बाघों ने, तो इनको नरभक्षी तो नहीं कह सकते। पर ये जो भी है कभी ना कभी खतरा तो बना हुआ है गांव वालों पे और सारा गांव दहशत में। करीब करीब जो बाघ हैं तो सुबह शाम आते हैं ज़्यादातर बगा साइड और ये कुंडाकाल साइड शाम और सुबह को, और जब वो इधर को चले जाते हैं मसूसैन और एक जगह हमारे गाँव में के पास में नवली पानी तो साइड चले जाते हैं, तो उधर ही उनका बसेरा है बाघ और बाघिनी होगी शायद और उनके साथ दो बच्चे हैं। तो मसूसैन वाले जो तरह से गांव से आते जाते होंगे वो सतर्क रहें और बचे और खुद को भी बचाएं दूसरों को भी बचाएं।